Hello friends, today we are studying about work and energy, chapter 11 of class 9, exercise question number 3 हम करेंगे इसका, question number 13 हम करेंगे इसका, so पहले हम question number 13 read करते हैं, okay, so question number 13 है, तो 13 question है, a person hold a bundle of hay over his head, for 13 minutes and get tired. अगर कोई लड़का अपने सर पर अगर कोई आदमी अपने सर पर भूसा लेके खड़ा है तो वो 30 मिनट तक वो अपने सर पर भूसा लेके खड़ा है और वो थक गया तो वो बोल और आगे है has he done some work or not? क्या उसने कुछ वर्क करा? Justify your answer. So, मैं बताता हूँ इसने कोई वर्क करा कि नहीं. मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि आप बहुत तीन चार घंटे आप लगातार पढ़ रहे हो. लेकिन तब भी साइंस की नजर में आपने बिल्कुल भी वर्क नहीं करा. अगर आप एक जगह पे बैठ के 4-5 घंटे पढ़ रहे हो तो साइंस की नजर में आपने कुछ भी वर्क डन नहीं करा, इसमें कुछ भी वर्क नहीं करा. ओके तो ये साइंस हमसे चाहती क्या है? क्या है साइंस का नजरिया? साइंस के नजरिए से आपने काम नहीं करा तो इसमें यही कह रहा है कि अगर कोई पर्सन अपने सर पर भूसा लेकर खड़ा है एक जगह पर 30 मिनट तक तो लेकिन उसने कोई वर्क नहीं करा, वो थक गया लेकिन उसने कोई वर्क नहीं करा, क्यों? तो हम लिखते हैं कि आखिर ये साइंस चाहती क्या है हमसे. सो हम लिखते हैं आंसर. सो आंसर होगा, सो 13 का आंसर है अ पर्सन holds a bundle of have मतलब भूसा over his head. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं head for 30 minutes. 30 minutes and gets tired. वही हमने लिखा जो क्वेश्चन में लिखा है कि एक पर्सन है वो अपने सर पे भूसा लेके खड़ा है 30 मिनट तक तो वो थक गया. So he does not work. तो उसने काम नहीं करा. In this सिचुएशन, उसने इस सिचुएशन में बिल्कुल भी काम नहीं करा. क्यों नहीं करा? दिस इज बिकॉज held by the person does not move at all. ये लहा. So उसने क्यों नहीं करा काम? क्योंकि उसने बिल्कुल उसको अपने सर पे तो ले रखा था लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चला. अगर वो चलता तो उसने काम करा होता कुछ ना कुछ, लेकिन वो नहीं चला एक भी बूंद तो उसने कुछ काम नहीं करा. इसको हम एक और प्रूफ कर सकते हैं. सो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. सो इसको हम प्रूफ करते हैं. सो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट.
फोर्स इसने अभी कोई लगाई नहीं, डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो, अगर कोई जीरो से कोई भी इनटू होगा कोई चीज तो जीरो, तो इसने वर्क वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये वर्क डन, सो इसका वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन इसका कितना हुआ जीरो, ओके सो यही होगा हमारा आंसर जीरो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.